अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल द रियल बकरा लवर में। देवास में बकरा मंडी आए हैं आज। आज थोड़ा क्वालिटी वाला माल ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका भाव क्या है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी फिलवक्त मंडी में किसी का भी नंबर लेकर यूट्यूब पर बताने से मना कर दिया गया है। तो अभी मैंने जितने भी नंबर अभी लिए हैं और आप ये वीडियो देखेंगे आगे, तो नंबर किसी के भी नहीं आएंगे। व्यापार में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से थोड़ा नंबर लेने के लिए मना किया है यहाँ पर मंडी में किसी भी व्यापारी का। तो कुछ दिनों के लिए देखते हैं अभी ये कब तक चलता है। थोड़ी व्यापार में प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरे यूट्यूब पर अगर किसी को वीडियो डालाना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो मेरा भाई, अभी मैंने जो जानवर देखा है और आपको दिखा रहा हूँ, चाचा पहले आप निकल जाओ। ये इस बकरी का बच्चा? और वाह, ठीक है। क्या दांत पे है ये, डिटेल बताओ इसके। दो दांत पे, माशाल्लाह बढ़िया। हेवी है यार, दो दांत पे। हकीकत में दो दांत है यार, माशाल्लाह। अब आप पीछे हो जाओ, बकरा दिखने दो, ठीक है। दो दांत पे बकरा है। वजन कितना होगा तकरीबन? 90 तो नहीं होगा, 90 किलो ऐसा खड़ा। खैर अच्छा बकरा है, भारी बकरा है। 90 किलो वजन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हाइट थोड़ी सी कम है उसकी। मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास होगा, ऊपर भी होगा थोड़ा, 70-75 के, ठीक है। दो दांत पे बकरा, मालवा नस्ल का बकरा, कुर्बानी के लिए पूरा तैयार जानवर। अगर किसी को चाहिए हो तो, नाम बताया था आपने अभी, सलीम भाई का नंबर भी उन्होंने बता दिया है। अगर आप चाहो तो इनके बकरे खरीद सकते हो, उनकी बकरी खरीद सकते हो, बच्चे खरीद सकते हो, जो खरीदना आप खरीद लो इनका। तो भाई लोगों, ये जिंग बकरा और बहुत ही गर्म बकरा मेरे को मार्केट में, अपने देवास के मार्केट में मिला है। वो शानदार क्वालिटी में है, शॉर्ट हाइटेड, एकदम गुलाबीपन पूरा। अरे बहुत बढ़िया खेलता है। देखिए भाई, गरम गरम बहुत है। बस इसके मैं दांत पूछना चाहूंगा भाई, दांत चार दांत पे बहुत गर्म है यार। ये तो ब्रीडर है यार, इसमें तो वजन का कोई काम नहीं यार, ये तो खूबसूरती पे बिकता है। दांत 4 और 33 किलो वजन पे बकरा है, आखिल भाई का है, हमारे खजराने वाले। और मैं किसी को भी नंबर नहीं लेके बताऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरी पुरानी वीडियो में से हमारे आखिल भाई का नंबर लें। और अगर किसी को भी चाहिए हो तो डायरेक्टली आखिल भाई से कॉन्टेक्ट करें। और रेट भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली अखिल भाई से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरी पुरानी बहुत सारी वीडियो में, अखिल भाई के पर्सनल भी वीडियो है और बहुत सारी देवास मंडी की वीडियो में भी अखिल भाई हैं। तो अगर किसी को पसंद आए तो अखिल भाई से ज़रूर संपर्क करें। देसी मालवा में कुछ अच्छे कलर में क्वालिटी दिखी है मुझे, पत्ते कान में और ब्राउन गर्दन में। मुंडा बकरा है, पूछेंगे इसकी प्राइस। और खस्सी कराया है या फिर नरी है भी पूछते हैं। क्या मांग रहे हो इसके, ये ब्राउन वाले के? हाँ सिंगल के पूछूंगा, फिर पट्टे का अलग बता देना। हाँ 7,000 रुपये। कितने महीने का ये? 4 महीने। 4 महीने का, ठीक है। और ये वाला? ये हो गया 8 महीने का। ये बढ़िया, थोड़ा रुआबदार चेहरा है, बड़ा चेहरा है इसका और सीना भी सही है इसका। मालवा में है, सिंह बहुत बुल सिंह आएंगे इसके। अरे बुल सिंह पर आएगा, फुल वाइट है, आंखें थोड़ी सी कचरी कचरी सी हैं, बहुत शानदार चीज है। इसके क्या मांग रहा? 10.5। रेट बढ़ा दिए तारीफ करते से? नहीं। और ये दोई के है? ये दोई के 18,000। दोई के 18, 9,000 रुपये। और पट्टे में चारों के? चारों अगर ले तो पट्टे में क्या भाव? 35,000 रुपये के चारों। क्या भाव आ रही है 35,000 में? जोड़ लेके, ये जो खड़ी है साथ में जोड़ है, नंबर याद है? नंबर अच्छा अच्छा है।
मेरा भाई। भाई क्या दाँत पे ये? 2 दाँत अभी करे। क्या डिमांड है इसकी? क्या डिमांड है भाई? 22,000 रुपये। और क्या बकरे आपके यहाँ? और कितने बकरे? कहाँ से आओ भाई? सजराने से आओ? नंबर बोलो भाई अपना। हाँ, 99 99 77 77 144 174 172 172। क्या नाम है भाई? अकरम। अकरम भाई ठीक है। बकराईद वाला माल लेके खड़ो यार चाचा आज तो तुम। हाँ यार। हैं? हाँ। वो शानदार बकरा यार ना। नरी है ना? हाँ। क्या खस्सी करा दिया? खस्सी हो गया? हाँ, हो गया। अरे यार खस्सी करवा दिया तुमने। बकराईद वाला माल है तो बढ़िया। क्या मांग रहे हो उसके? 30,000 मांग रहे हैं। और दोगे कितने में? 1,000 2,000 रुपये बस। 3,000 बस। और ये छोटा वाला क्या है? बकरा बकरी है? ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी में। बड़े बड़े कान, पान वाले पत्ते के कान। काजल लगा रखा है इन्होंने, काजल है। और ये मेहंदी वेंदी लगा रखी है। और कुछ ऐसी कोई डिजाइन है नहीं बकरे में। बाकी बहुत बढ़िया बकरा है, रुआबदार बकरा है। झालर अच्छी आ रही है इसकी, किसी को पालने के लिए, पलटी के लिए। पलटी तो कह रहे हो गई होगा, वो चाहिए हो तो अपन ये दोनों बकरे के रेट वगैरह बात कर लेते हैं चाचा से। क्या नाम है आपका? वहीद खान। वहीद खान भाई नंबर बोलो। 99 77 99 77 00 00 7392 7392। कहाँ से हो? कनाड़िया रोड इंदौर। कनाड़िया रोड इंदौर से ठीक है भाई। अगर ये कुछ दोनों बकरों में से कुछ समझ में आए किसी को तो भाई वहीद भाई को कॉल जरूर करें। तो मार्केट में अभी गुजरी का माल भी दिखा है मुझे, गुजरी के बच्चे और बकरे। तो दोनों बकरे गुजरी के हैं और ये उसकी बकरी है मेरे ख्याल से। तो भाव पूछते हैं इनके। 12 महीने के व्यापारी है ना? हाँ। तो चाचा आपकी बकरी है? हाँ। कौन सी नस्ल की बकरी है भाई पहले तो ये बताओ। अजमेरी बकरी है। पक्की बात? अजमेर ही है? ठीक है। तो इसके 2 बच्चे मैंने दिखाया आपको, एक गुजरी और एक अजमेरा। ठीक है। तो क्या भाव है ये तीनों के? 26,000 को मांग रहा तीनों। तीनों के ये फाइनल रेट है कि उसमें कुछ हो जाएगा? कोई हो जाएगा नहीं, गुंजाइश है। क्या हो जाएगा? कितनी गुंजाइश है? फाइनल है 23,000। ये फाइनल है? ठीक है। तो ये कितने कितने महीने के बच्चे? 2.5 महीने के बच्चे। 2.5 महीने के बच्चे ठीक है। अपना नंबर बताना चाहोगे? 62-66-44-55। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? शेजाद भाई। शेजाद भाई कहाँ से? उज्जैन। उज्जैन से ठीक है। किसी को समझ में आए तो सिरोही और सिरोही के क्या अजमेरा और गुजरी बकरे हैं दोनों। अगर आपको चाहिए हो तो ये इन्होंने रेट बता। शानदार क्वालिटी में मालवा हाइटेड बकरा और खड़े सिक्के एकदम सीधे सिंह। और वजन भी तकरीबन इसका 50 के ऊपर ही होगा। और झालर देखिए आप, तो झालर दिखाता हूँ मैं आपको। सफ़ेद बकरा बहुत शानदार झालर। चाचा आपका जी। क्या मांग रहे हो आप इसके? 30,000 डिमांड है। मालवाई है ना ये? जी मालवाई। 30,000 रुपये डिमांड कर रहे हो। नंबर क्या है आपका? 9690। नहीं फिर से बोला आवाज आपकी। 9690-70-88 9690-70-88। ये भाई सब जगह सबके बकरे छीन रहे, हर जगह दिख रही हूँ मैं इनको। व्यापारी आदमी। ये भाइयन ने इसके 30,000 रुपये डिमांड करे हैं। अपन व्यापारी से पूछेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए। क्या नाम है हजरत आपका? असलम। असलम भाई कितने होना चाहिए इसके भाव? अभी के पोजीशन में इसके 25,000। 25,000 का है बकरा? वो बकरा ईद में? बकरा ईद में अपने हिसाब से बनाने के हिसाब से। हाँ नहीं यही यही हाइट वेट पे बकरा बहुत बढ़िया हो। यही हाइट पे यही 25,000 रहेगी। 25,000 रुपये बनावट नहीं रहेगी। ठीक है। तो व्यापारी आदमी ने इसके 25,000 रुपये लगाए हैं। क्रॉस का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है दोस्तों।
अब ये बकरा मालवा के बकरे से, मतलब मालवा बकरी से क्रॉस होगा जमुनापारी या हंसा, तो उसका मिक्सचर बकरा आया है कि उसका, उसके फेस पे थोड़ा सा पंच और बाल तो आए हैं लेकिन बाकी बॉडी उसकी पूरी मालवा की तरह है। कान उसके तकरीबन मालवा की तरह ही है, सिंह थोड़े से उस पर चले गए हंसा वाले। फिर मालवा के भी ऐसे ही आते हैं लेकिन इस तरह से होता है क्रॉस जब अपन कराओ तो। प्योर ब्रीड होती है और क्रॉस क्रॉस होता है। शो स्टॉपर बकरे के पास लेके आ रही हूँ मैं आपको, अब आप डिसाइड करो इनमें से शो स्टॉपर कौन है। तीन बकरे आपके फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे और एक बकरा जो है कि बैठा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब बकरों को डिटेल में बनाते हैं और आप डिसाइड करो यार कि कौन इनमें से शो स्टॉपर है। जी भाई, क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद भाई कहाँ से हो? सिया। सिया से भाई मेरे हैं आनंद भाई, और ये तकरीबन 6-7-8 बकरे जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी में लेकर आए हैं, और आप देख लो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। झालर देखो भाई, कान देखो भाई, रुआब देखो भाई। अब नस्ल वगैरह तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि क्रॉस में है ज़्यादातर बकरे इनके पास। तो अब ये देखिए हंसा की तरह इसके पीछे के से बाल हैं और आगे से नहीं है, तो अब किसी चीज़ में क्रॉस में होगा इसीलिए वो इस तरह से आया है। बाकी क्वालिटी आप देख सकते हो सामने आपके, और ये आनंद भाई का बकरा है, सियापुरा में रहते हैं। और इनके मैं आपको सारे बकरे दिखा देता हूँ जितने भी इनके पास नर बकरे हैं। ये कितने दांत पे है? ये छः दांत पे है। ठीक है यार, मेरे हिसाब से तो जो है अभी इस मंडी में सबसे जब्बार, गब्बर, जबराट और सेक्सी और जो शो स्टॉपर बकरा है वो यही है मेरे हिसाब से। तो आप ज़रा इसके बाल देखो, शेर की तरह इसके बाल है माशाल्लाह से, पूरा रुआब में है ये, मालवा में है, और हाइट भी अच्छी खासी है इसकी। बकरे की क्वालिटी देखो माशाल्लाह से, बकरे की क्वालिटी देखो यार, फुल ब्रीडिंग ब्रीडर, बहुत शानदार। इसका तो शॉट भी बनाना पड़ेगा, बहुत शानदार बकरा एक दिखाया मुझे बकरा, मालवा में ही होगा लेकिन हाइट उसकी बहुत शानदार है और उसका उठान भी बहुत शानदार है। झालर बहुत प्यारी आ रही है, बकरे में बहुत दम है, बहुत शानदार बकरा निकलेगा ये। अगर इसके खड़े सिक्के के सिंग आ गए तो मज़े आ जाएगा, जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है खड़े सिक्के में ही लाएगा। और कान भी माशाल्लाह देखो, पूरा पान का पत्ता बड़ा सारा, बहुत शानदार माशाल्लाह। आप सिंग देखो, सिंग मैं 100 में से 100 नंबर मैं इस बकरी को देने वाला हूँ। और इसी के अगर जैसे सिंग बकरों के आ गए तो आप देखिएगा, बकरे पूरे आग लगा देंगे मार्केट में, मंडी में। तो मालवा ही है ना, मालवा बकरी है। हाइट हेल्थ माशाल्लाह से बहुत बढ़िया है, मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ, पूरी हेल्दी बकरी है भाई, लोडेड है, एक महीने की लोडेड। हाँ नहीं, अलग ही दिख रहा माशाल्लाह, एक महीने से ज़्यादा की दिख रही है तो। ठीक है भाई, क्या डिमांड है इस बकरी की? 17,000 रुपये। ये फाइनल वाले हैं कि इसमें नेगोशिएशन हो जाएगा? ठीक है माशाल्लाह, बकरी पूरी क्वालिटी में है, वाइट में है, आप सिंग देख लो, और लोडेड है 1 या 2 महीने की। तो भाई से अपन इसकी पूछ लेते, भाई कहाँ से आओ? देवास से। क्या नाम है आपका? सोहेल भाई। सोहेल भाई, तो सोहेल भाई अभी मुझे मंडी से जानकारी मिली है, आपको भी सबको मैं बताना चाहूँगा कि मंडी से मुझे अभी जानकारी मिली है कि मैं व्यापारियों का या किसानों का अगर मैं नंबर ले रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग बाग उन्हें कॉन्टेक्ट करते हैं। कोई भी यूट्यूबर जब नंबर लेता है किसी भी किसान का तो उनको कॉन्टेक्ट कोई भी करता है, तो भाव जो हम लोग पूछते हैं उससे डिफरेंट अगर भाव बताता है तो लोग बोलते कि फ्रॉड है। लेकिन हो सकता है भाई कि वो किसी और ने ख़रीद लिया हो, मैंने जिससे बनाई थी उसके अलावा किसी और ने ख़रीद लिया हो, वो बिक चुका हो, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग अगर किसी को फ़ोन लगाएं तो आप भाई, आपकी जिम्मेदारी रहेगी पूरी लेना, आपको चेक करना, पैसे भी आपको आपके हिसाब से ही देना रहेंगे। लेकिन आप किसी भी को भी डायरेक्टली फ्रॉड मत बोलो, यहाँ पर सब व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना बकरे ख़रीदते हैं और बेचते हैं। आगे एक बकरा इस मंडी में कम से कम 3-4 बार एक दिन में बिक जाता है। तो ऐसा है कि अगर आप किसी को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो बकरा उसी के पास हो या वो उससे पहले किसी के पास नहीं होगा। तो ये चीज़ों का कन्फ्यूजन दूर रखें, और इसीलिए आप किसी को भी डायरेक्टली कॉल करके फ्रॉड ना बोलें। अब मैं मेरे भाई से नंबर ले लेता हूँ क्योंकि इनकी बकरी, इन्होंने बोला वीडियो बनाना है, तो इनसे नंबर मैं ज़रूर लूँगा। जी भाई,
आपका नाम एक बार और बता दो। सुहेल खान। सुहेल भाई देवास्ते हैं, नंबर बता दो। 7000839831। ठीक है, ये है सुहेल भाई, बकरी आपने देख ली है, ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। तो वाइट हाइज में हैदराबादी क्रॉस या जमुनापारी क्रॉस भाई का कहना है, और माशाल्लाह हाइट तो अच्छी बकरे की, फुल ब्रीडर है ये, बहुत बढ़िया गर्म बकरा है, कान पकड़ के खड़ा था मंडी में, आपको पूरी हाइट वेट में पूरी वीडियो में दिखा देता हूँ, और बकरे की डिमांड में पूछ लेता हूँ, नंबर नहीं ले पाऊँगा, डिमांड पूछ लेता हूँ। क्या डिमांड है भैया? 30,000 रुपये। ओके, 30,000 रुपये इसकी डिमांड है, फाइनल भी नहीं पूछूंगा क्योंकि अब मैं नंबर अभी नहीं ले रहा हूँ इनका। भाई एक दो क्रॉस में इतनी नस्लें आ गई हैं कि भाई आजकल तो हर बकरा देख के ऐसा लगता है कि क्या ही बकरा है ये, कौन सी ही नस्ल का बकरा है। अब ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा कि भाई इतने बड़े बड़े कान, मालवा सिंह पे इतने बड़े बड़े कान में ये कौन सी नस्ल का बकरा है, पंजाबी भी नहीं दिख रहा, हाइट भी इसकी कम है, तो मतलब पंजाबी के हिसाब से हाइट कम है, मालवा के हिसाब से बराबर है, और बहुत शानदार है, मतलब दिखने में 100 में से 100 नंबर है इसके यार, बहुत बढ़िया बकरा है, एकदम रुआबदार बकरा है, कान बहुत बड़े हैं, कम से कम इसके 17-18 इंच के कान होंगे आराम से, कान का पत्ता जो है, और कोटा में से क्रॉस होगा इसलिए ऐसा। तो भाई ये मंडी के कोने में खड़ा हुआ है, तो हो सकता है बिक गया हो, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी, ना ऑनर से पूछा कुछ भी, तो अगर ये नहीं बिका होगा तो मैं अभी पूछ लेता हूँ, और अगर किसी को चाहिए हो तो डिटेल दे देता हूँ मैं आपको। तो खस्सी क्वालिटी में अगर कोई नग मुझे, कोई बकरा, कोई जानवर अगर मुझे अच्छा लगा है फिल वक्त, अभी और मंडी बची है, तो ये बकरा जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, उसकी वजह ये है कि खूबसूरती में इसके पास गुलाबीपन है, बाल है, हाइट है, वेट है, और आंखें जो है, आंखों पे भी गुलाबीपन है और वाइट है पूरी। अरे छत्तीस में एक भी अपनी है क्या? तो इसकी डिटेल लेते हैं भाई से। भाई अभी आपसे मिला था सुबह में मंडी के उस कोने में, दूसरे बकरे लेके, आप ये बताओ ये वाले बकरे की क्या डिटेल है? ये बकरा दो दांत पे है। दो दांत पे है, माशाल्लाह यार अच्छी वेट हाइट ले ली इनने, दो दांत पे यार, है ना। क्या इसकी डिमांड है? इसकी 55,000 डिमांड है। 55,000 डिमांड है, डिमांड थोड़ी ज़्यादा नहीं हो रही है 55,000 रुपये अभी मंडी तो कर लेंगे जो कर लोगे ना। सही बात है। तो ये अब वजन क्या होगा इसका? वजन में है ये समथिंग 80-85 किलो है ना, वजन तो होगा इतना तकरीबन इसका, 70 से 80 किलो के बीच में ही होगा कुछ इसका वजन, बढ़िया है। ठीक है, इसकी डिमांड 55,000 बताई, और ये वाले बकरे की भाई? ये बकरे की भी वही डिमांड है, सेम 55,000 रुपये। ठीक है भाई, ये भी अच्छा बकरा है, देसी मालवा की एकदम क्लासिक मालवा जिसे कहते हैं, बढ़िया कान, बिना सिंग के, वेट भी इसका, इसका वेट कितना होगा? इसका भी वही लगभग 2-4 किलो कम आएगा बस, है ना। ठीक है, किलो के बाहर है। मैंने सुबह भाई का नंबर ले लिया था, आप लोग वीडियो को पीछे करके देखो, आपको नंबर भाई का मिल जाएगा। शानदार नर बकरों का लाट आया है, तीन बकरे जो है इनके पास देखे मैंने, अभी इनको कवर करूंगा मैं इंशाल्लाह। भाई इस मंडी में तो शो स्टॉपर सिर्फ बदलते ही रहते हैं, आप कभी भी एक बकरे को शो स्टॉपर बना ही नहीं सकते भाई, क्वालिटी देखो भाई, सिंह की क्वालिटी देखो भाई, ले जा रहे हो क्या? दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन बकरों की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ये तीन नए बकरे अभी हाल मार्केट में आए थे, थोड़ी देर पहले ही आए हैं ये, तो इनकी बहुत बढ़िया बकरे हैं, इनकी डिटेल लेते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम भाई।